हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एच का, जो कैट आईबीपीएस पीयू एसबीआई पीयू और एसएससी सीजीएल में कई बार आया हुआ है, ऐसा मिलता जुलता या सेम यही का यही क्वेश्चन। तो बात यह है कि इस क्वेश्चन को करने की प्रॉपर मैनेजमेंट है। अगर आप उस प्रॉपर मैनेजमेंट से नहीं करोगे तो शायद आपको ये क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशंस ही बहुत सारी हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। When Rahul was born, his father was 32 year older than his brother and his mother was 25 year older than his sister. If Rahul's brother is 6 year older than him and his mother is 3 year younger than his father, how old was Rahul's sister when he was born? अब इतनी सारी कंडीशन, कम से कम 5-6 कंडीशंस हैं, तो एक बार तो ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं तो छोड़ ही दूँ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करना है। तो एक छोटी सी मैनेजमेंट मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पूरा परिवार निकलो। राहुल है इस फैमिली में, और कौन है? ब्रदर। और कौन है? राहुल के पापा। और कौन है? राहुल की मम्मी। और कौन है? राहुल की सिस्टर। दूसरी मैनेजमेंट ये है, सपोज मेरा नाम कमल, मैं सुमित से 6 साल बड़ा हूँ, तो आपने क्या करना है, सुमित से मेरी तरफ एक एरो लाना है, डायरेक्शन मेरी तरफ होगी और उस एरो के ऊपर लिख देना 6, ठीक है। सपोज मेरे फादर मेरे से 25 साल बड़े हैं, तो एक एरो मेरे से मेरे पापा की तरफ जाएगा डायरेक्ट करता हुआ और उस एरो के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा, 25। ऐसा करने से ना, चाहे 7-8 कंडीशंस भी हो, कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। When Rahul was born, his father was 32 year older than his brother. मतलब इस कंडीशन से ये पता लग रहा है कि जो फादर है वो ब्रदर से कितने बड़े हैं, 32। तो मैंने एक एरो जो ब्रदर से फादर की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर मैंने क्या लिख लिया, 32, क्योंकि लास्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। Than his brother and his mother was 25 year older than his sister. अब बताइए एरो कहाँ से कहाँ तक आएगा? Sister से mother की तरफ और ऊपर आप लिख दोगे 25। बहुत बढ़िया। आगे, if Rahul's brother is 6 year older than him, राहुल का भाई राहुल से 6 साल बड़ा है, तो राहुल का भाई राहुल से 6 साल बड़ा है, तो एरो राहुल से राहुल के भाई की तरफ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6 आ जाएगा। And his mother is 3 year younger than his father. एक एरो मदर से फादर की तरफ आएगा, क्योंकि मम्मी छोटी है फादर से, तो 3 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर राहुल जब पैदा हुआ, अगर राहुल 0 का होगा, जब पैदा होगा तो 0 का ही होगा, तो ब्रदर 6 साल बड़ा है तो ब्रदर 6 का होगा। पापा जो है वो भाई से 32 साल बड़े हैं, क्योंकि हमने पहले एरो लगा रखा है, इसलिए हमें कोई ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, 32 और 6 38। मम्मी पापा से 3 साल छोटी है, तो मम्मी कितने की हुई, 35 की। और सिस्टर मम्मी से 25 साल छोटी है, या मम्मी सिस्टर से 25 साल बड़ी है, एक ही बात है, तो ये 35 है तो वो 10 की होगी। जब राहुल पैदा हुआ तो ये सारी कंडीशन, भाई की 6 का होगा, पापा 38 के होंगे, मम्मी 35 की होगी, सिस्टर 10 की होगी। अब पूछा क्या हुआ, हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन ही वॉज बॉर्न। ही कौन? राहुल। जब राहुल पैदा हुआ तो सिस्टर कितने साल की थी, 10 साल की थी। समझ आया दोस्तों? अब ये क्वेश्चन बदल बदल के जैसे मर्जी आ जाए। सपोज मैं ये पूछूं, जब राहुल का भाई पैदा हुआ था तो पापा मम्मी सिस्टर कितने साल के थे? राहुल का भाई अब 6 साल का है, जब पैदा हुआ होगा तो कितने का होगा राहुल, राहुल का भाई 0, तो 6 साल पहले पापा 32 के, 6 साल पहले मम्मा 29 की, और 6 साल पहले सिस्टर 4 की। जैसा मर्जी बदल दे यार, क्वेश्चन बदलने में कुछ नहीं है। आपको हो ये शॉर्टकट, हो ये क्वेश्चन आप सबको समझ आया होगा, ये शॉर्टकट भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एपीचू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक पर्सनल नंबर है, मैंने कई बार दिया भी हुआ है, 9813646268। इस पर आप अपने डाउट भेज सकते हैं, जितने भी डाउट्स मेरे पास आते हैं मैं उनमें से अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है, मैथ्स बाय कमल बजाज, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।